हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टाइम बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारी ट्रेन और ये है 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो हमारी ट्रेन की टोटल लेंथ है 200 मीटर। अभी ट्रेन 200 मीटर की इस 400 मीटर की ब्रिज को कितने टाइम स्पीड से जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें ये निकालना है, ये पूरी ट्रेन है ये इस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, यानी कि और क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये यहाँ पे इस ट्रेन की ये खाली इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरी ट्रेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंजन की नहीं। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर टाइम होगा एस टी, ये ही हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बस हमें वैल्यूज पुट कर देनी है इस फॉर्मूला में। सबसे पहले हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तब ये होगा, वरना नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। हमें SI, अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी हायर या स्मॉलर यूनिट हो तो आपको उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो 36 इंटू 5/18, बस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 5 10 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो फिर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 400 मीटर तो है ही, प्लस 200 मीटर ट्रेन का भी, क्योंकि ट्रेन पूरा पार होगी, ये लास्ट बग्गी के बाद तक का पूछ रहा है ये, तब कब तक इन टाइम लगाएगी। तो टाइम हो जाएगा हमारा 200, टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस 400 ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ अपॉन 10, स्पीड इज इक्वल टू 600 अपॉन 10। तो यहाँ से 0 to 0 कट, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 60 seconds। तो हमारा आंसर है 60 seconds या फिर और 1 minute। ट्रेन विल टेक दिस मच टाइम। तो ये है हमारा आंसर, वो ट्रेन लेगी 60 सेकेंड या 1 मिनट का, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।